हेलो दोस्तों, मैं संजय और आप देख रहे हैं संजय बाइक शॉप। और देख सकते हैं ये पल्सर 150 है, सर्विस करना है और प्रॉपर सर्विस करके दिखाएंगे कैसा होता है सर्विस। तो आइए देर नहीं करके वीडियो को चालू करते हैं और दिखाते हैं। उधर पहले भी हम थोड़ा स्टार्ट किए थे तो इतना काफी है, हल्का वार्म अप हो जाने से सही रहता है। इसके बाद हम लोग इंजन ऑयल ड्रेन करेंगे। सर इधर चलो, देन हो रहा ठीक है, सीट को निकाल। ठीक है, तो पेट्रोल पाइप को चेक कर लें। पेट्रोल पाइप क्योंकि टैंक खोलना है कैपेट के लिए, तो हम लोग पेट्रोल पाइप पहले ही चेक कर लेते हैं। पेट्रोल पाइप सही है? हाँ ठीक है, खोल लो। टैंक खोलते टाइम पेट्रोल पाइप चेक करना चाहिए जो कि सही है हमारा। पेट्रोल पाइप सही है, टैंक ओपन। ये रहा फ्यूल गेज कनेक्टर। ये कैनिस्टर पाइप है, जींस फोर में रहता है। और ये फ्यूल गेज का कनेक्शन है। और ये रहा टैपेट कवर जो कि अभी खोलेंगे। टैपेट भी देखना है क्योंकि हर 10,000 किलोमीटर टैपेट चेक होना चाहिए ताकि सही ट्यूनिंग सही हो और बाइक का माइलेज भी सही रहे और पिकअप भी सही रहे। तो हर सर्विस में जरूरत नहीं है, लेकिन एक तो सर्विस गेप देके फिर करना पड़ता है। हाँ, तो मोबिल ड्रेन हो चुका, अभी मोबिल का क्वांटिटी देख लेंगे, मतलब मोबिल कितना कंज्यूम हुआ है उससे पता चल जाता है कि हमारा इंजन का कंडीशन कैसा है। ड्रेन बुल को वॉश करके लगा दे। ड्रेन बुल का वॉशर तो सही है, बस 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 डाल इसमें। इंजन ऑयल सही है, मैक्सिमम 100 ml कंज्यूम हुआ है, 100 ml नहीं है, 50 से 60 ml होगा। तो इस हिसाब से बिल्कुल सही है, इंजन में कोई इश्यू नहीं है। तो ठीक है, अभी हटा दें इसको। अगर ज़्यादा कंज्यूम होता तो फिर इंजन का तरफ देखते। पचास साठ एम एल बिल्कुल सही है क्योंकि बाइक हमारा
3,500 किलोमीटर रन कर चुकी है, तो उस हिसाब से बिल्कुल सही है। ठीक है, वो मोबाइल को फेंक दो। टॉप में कर, तो टैपेट सेटिंग करने के लिए पहले तो टॉप में करना पड़ेगा। पिस्टन टीडीसी में करके टैपेट सेटिंग होता, तो पहले टीडीसी करते हैं पिस्टन को। ठीक है, कर। हाँ, तो इसमें क्विक नहीं है, तो इसलिए गियर में डाल के चक्का घुरा के टीडीसी करना है। हाँ, तो टॉप में हो चुका है और ये रहा फिलर गेज टैपेट होल्डर, और इसका स्टैंडर गैप है 0.05 और एडजस्ट में रहेगा 0.10 mm। तो आइए चेक करते हैं, एडजस्ट वाला चेक कर लेते हैं। ठीक है, एग्जॉस्ट हमारा सही है, लेकिन इंटेक देखते हैं। इंटेक ही ज्यादातर टाइट हो जाता है। ये थोड़ा टाइट है, तो ये बाइक का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि हर 10,000 किलोमीटर में जरूरी है। टैपेट को चेक करना चाहिए, चेक एंड एडजस्ट, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर टैपेट क्लियरेंस सही नहीं हो तो बाइक का पिकअप का इशू होगा, माइलेज ड्रॉप करेगा। तो 10,000 किलोमीटर में एक बार चेक करना चाहिए, ताकि बाइक का पिकअप भी सही रहे और माइलेज भी सही रहे, चला के भी मजा आएगा, आइडलिंग भी सही रहेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि सर्विस में करना चाहिए। और हाँ, ये जब सर्विस का काम करेंगे, मतलब आप लोग जब भी करिएगा कोई भी मैकेनिक भाई, तो ये एसटी कॉइल का कनेक्शन और ये आरसी, ये जरूर से एक बार चेक कर लें। आरसी चेक कर लेना काफी है, लूज नहीं रहना चाहिए, लूज नहीं है मतलब सही है, प्रॉब्लम हो ना हो बट चेक कर लेना चाहिए। ये अभी प्लग को खोलते हैं, राजा प्लग खोल, प्लग चेक करते हैं, प्लग खोल। ये देख रहे हैं प्लग, ये तो थोड़ा इधर, क्योंकि प्लग के इधर कैप में रबर है, बट फिर भी थोड़ा बहुत वॉशिंग के टाइम में पानी चल जाता, तो उससे थोड़ा रास्ता था, बट वो हम लोग WD मार लेंगे थोड़ा। और प्लग अभी सही है, क्योंकि रिसेंटली चेंज हुआ था प्लग। 10,000 किलोमीटर में एक बार चेक करने से काफी है, बट सर्विस हो रहा तो सर्विस के दौरान चेक होना चाहिए। और ये अभी स्पार्क प्लग हर सर्विस में चेक कर लेना चाहिए। और वैसे 10,000 या नहीं, ये देख रहे प्लग साफ हो चुका है, प्लग गैस थोड़ा चेक कर ले। और ये प्लग गैप स्टैंडर है 0.8 से 0.9 mm, तो सही है। फिलर गेज से चेक कर लिए, लगा राजा प्लग लगा।
उधर थोड़ा डब्ल्यू डी मार दे, और डब्ल्यू डी मार दे, रस्ट लग गया है, डब्ल्यू डी मार देते पर ये सब जगह में बर्फ वर्फ काफी है, और विदय रहने दे, प्लग को लगा दे बस। ये आर एस साइड का ग्लास था, एल एच वाला भी थोड़ा साफ कर दे। ये थोड़ा गंदा है, साफ कर दे। बट दोनों क्लास सेम टाइम में चेंज हुआ था, तो क्लास सही है बिल्कुल, साफ करके गैप एडजस्ट करके लगा देंगे अभी। ठीक है, लगा गैप सही है। क्योंकि ये बजाज का बाइक है, तो बजाज के इंजन ऑयल डाल रहे हैं, जो कि कंपनी का आता है। और आप लोग अगर कोई दूसरा अगर सेम ग्रेड का ऑयल अच्छा लगे तो डाल सकते हैं, वैसे मैं तो बजाज का डाल रहा हूँ। बजाज का भी अच्छा इंजन ऑयल है। ठीक, हाँ तो इंजन ऑयल डल चुका है, और अभी इधर ऑलमोस्ट 50% काम हो चुका है। 50% ये कैनिस्टर का जितना पाइप है, सर्विस का टाइम ऑलमोस्ट एक बार देख लेना चाहिए। और नीचे एक ड्रेनेज लाइन है, तो उसको दिखाएंगे, उसको खोल के ड्रेन कर लेना है। और क्योंकि कार्बेटर इतना जल्दी जरूरी नहीं है, 10,000 में एक बार साफ होने से चलता है। तो अभी 10,000 इससे पहले सर्विस हुआ था, तो उस टाइम कार्बेटर साफ हुआ था, तो अभी सिर्फ ड्रेन कर लेंगे। कार्बेटर का ड्रेन लाइन है, जो कि नीचे अगर कुछ कचरा रहेगा तो निकल जाएगा। राजा ड्रेन कर दे, देख सकते इधर एक ड्रेन स्क्रू दिया रहा था कार्बेटर में, जो भी पेट्रोल गिरेगा उधर गिर रहा, देख सकते नीचे पेट्रोल गिर रहा। तो कार्बेटर में अगर थोड़ा भी कोई कचरा रहेगा या तो कुछ भी कचरा, या फिर कह सकते पानी अगर रहा तो निकल जाएगा, तो इतना काफी है। ये हर सर्विस में कार्बेटर जरूरी नहीं है। हाँ, 10,000 अगर चल गया दूसरा सर्विस तो फिर साफ करना पड़ेगा। टैक्स है, ये स्टार्टर रिले है, स्टार्टर रिले का मैं थोड़ा चेक कर लें, क्योंकि इधर में भी बहुत समय लूज हो जाता है, तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसमें पीक नहीं है। तो चेक कर लें टाइट है कि नहीं, वो भी एक बार चेक कर लें। एक मिनट, इसमें डब्ल्यू डी थोड़ा मार दें, तो रस्ट पड़ता है, तो डब्ल्यू डी मार देने से रस्ट नहीं पड़ेगा। बस बस तो लगा दो चेक को, उधर वाला भी थोड़ा चेक कर ले। और इसे चेक करते टाइम थोड़ा सावधानी बरते, क्योंकि बैटरी से डायरेक्ट लगा रहता है इधर रिले में था, ताकि बॉडी ना आ जाए, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी बैटरी को भी चेक करना है, इधर दोनों स्क्रू चेक कर ले, क्योंकि बैटरी ये वीआरएल बैटरी है, तो इसमें वाटर का कोई बात नहीं है,
मतलब इसमें वाटर नहीं रहता। बीआरएल बैटरी है, डब्ल्यू डी मारो, इसमें भी थोड़ा डब्ल्यू डी मार के थोड़ा रेस्ट पकड़ के बस बस मल्टीमीटर से चेक कर बैटरी वोल्टेज। डीसी 20 में करो। हाँ ठीक है, चेक कर देख सकते 12.85 सही है। और ठीक है, वैसे बाइक में कोई इशू नहीं है, फिर भी चेक करना जरूरी है सर्विस के दौरान। सर्विस में प्रॉपर चेक होना चाहिए वैसे, खास करके अगर गाड़ी में कीच ना हो तो चेक तो होना ही चाहिए। एयर फिल्टर ये हो सकता है स्टेट में थोड़ा कुछ आगे पीछे दिख सकता आप लोगों को, लेकिन प्रॉपर सब काम होना चाहिए, जैसे कि प्लग टैपेड, इंजन ऑयल चेंज करना था तो इंजन ऑयल चेंज करने से पहले इंजन ऑयल का क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही चेक होना चाहिए। तो क्वालिटी तो दिख जाता है जब ड्रेन होता है, अगर कोई पार्टिकल्स रहा तब इंजन में डाउट जाएगा हमारा, बट पार्टिकल्स नहीं है तो कुछ इशू नहीं है। और क्वांटिटी भी सही निकला तो उतना नॉर्मल है। अब ये फिल्टर को चेक करते सकते इतना गंदा जमा हुआ। हाँ दोस्तों, ये फिल्टर में और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये ओरिंग देखिए, तो ये ओरिंग सही रहना चाहिए जो कि इसमें सही है, नहीं तो जो भी बाहर का पार्टिकल से डायरेक्ट फिल्टर बॉक्स में इन कर जाएगा और आगे चल के हमारा इंजन जल्दी डैमेज करेगा, मतलब इंजन का लाइफ कम कर देगा। तो जब भी फिल्टर को खोले तो ये ओरिंग जरूर से चेक कर लीजिएगा, अगर ओरिंग कटा रहा तो रिप्लेस होना चाहिए, अदरवाइज 15-20 हजार में एक बार रिप्लेस करना जरूरी है। इसमें अभी ठीक है तो इसको छोड़ते फिल्टर को निकाल दें। उधर देखा, उधर बुरा उल्टा साइड, ठीक है इसको साफ करते हैं, क्लीन कर उधर। हाँ तो हम लोग कपड़ा से थोड़ा क्लीन कर ले रहे हैं, अंदर में थोड़ा कपड़ा स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा कपड़ा डालकर साफ कर ले। तो इस केस में अगर मतलब एयर प्रेशर रहने से बहुत अच्छा होता, लेकिन हमारे पास अभी है नहीं तो फिलहाल तो कपड़ा से काम चलाते हैं जितना साफ हो सके। प्रेशर मारने से, एयर प्रेशर मारने से थोड़ा और अच्छा होता। तो फिल्टर वाश थोड़ा देख सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, फिल्टर केरोसिन से अगर वाश हो तो अच्छा है, लेकिन अभी केरोसिन का जो प्राइस है तो केरोसिन है भी नहीं, तो अभी मजबूरी है पेट्रोल से ही साफ करते हैं। तो पेट्रोल से साफ होने के बाद इसमें मोबिल इंजन ऑयल देंगे, इंजन ऑयल देने के बाद उसको पूरा निचोड़ देना है, मतलब फिल्टर में जो कचरा है उधर लॉक हो जाए, इसलिए थोड़ा इंजन ऑयल देना पड़ता है। तो इंजन ऑयल
पूरा इसको अच्छे से मिला दें। निचोड़ दे और अगर कुछ रहा तो निकल जाएगा, ऑयल तो रहेगा। ठीक है, थोड़ा झाड़ के लगा एक मिनट, थोड़ा कॉटन से। हाँ बस दोनों तरफ से बस ठीक है लगा। ठीक है, फिल्टर हो चुका। इंजन का जितना भी फास्टेंड नट बोल्ट है, मतलब इंजन को जो पकड़ के रखता है साइलेंट बूस्ट, जितना भी मेन नट है जिससे कि हमारा इंजन फिटिंग रहता है, चेक कर लेना जरूरी है। बस टाइट है, चेक होना चाहिए बाय चांस अगर लूज रहता तो। और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये उधर से दिखाते हैं। ये कार्बोरेटर होल्डर देख रहे हैं, ये तो ऐसे ही कोई दाग है। ठीक है, कार्बोरेटर होल्डर सही है, ये हर सर्विस में चेक होना जरूरी है। लेकिन इसमें सही है, फिजिकली देख के पता चलता तो ठीक है, छोड़ देते। और ये VS4 बाइक है तो इसका स्टार्टर क्लच इधर रहता है, मतलब रोलर किट जो होता है, तो वो हर सर्विस में जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ 10,000 में एक बार खोल के चेक होना चाहिए, ग्रीसिंग होना चाहिए। तो इसमें अभी सही है क्योंकि ये रिसेंटली इससे पहले सर्विस हुआ था, सर्विस का टाइम मोबिल चेंज करने का टाइम हो गया था तो इसलिए हम सर्विस किए, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी ज़रूरी नहीं है क्योंकि 10,000 हुआ नहीं है। स्टैंड में ऑयल डाल दें, स्टैंड का नट बोल्ट, साइड स्टैंड का बोल्ट चेक करना चाहिए, चेक बट ऑयल डाल दे रहे ताकि फ्री रहे। और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि बहुत बहुत, मतलब जिनको पता है वो तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनका लिए ये है, तो सर्विस का टाइम में फ्यूज चेक होना चाहिए। तो ये फ्यूज दोनों रनिंग है इससे पता चलता सही है, फिर भी फ्यूज का रेटिंग सही है या नहीं है वो चेक करना। छोटा इसको रहा था राजा, हाँ तो देख सकते फ्यूज का रेटिंग ऊपर लिखा हो 15 एम्पियर 10 एम्पियर, तो दोनों चेक कर लेंगे। हाँ 15 एम्पियर है दिख रहा आप लोगों, सही है, बगल वाला देख लेते 10 एम्पियर, ये भी सही है। नेक्स्ट प्लग देंगे और देखिएगा 2 एम्पियर फ्यूज रहता है ताकि कभी इमरजेंसी में इधर जाने ना पड़े, बाइक में ही मिल जाएगा एम्पियर में, ये भी चेक करना चाहिए एम्पियर में जो है सही है कि नहीं। तो ये हमारा सही है 15 एम्पियर का, ये 10 एम्पियर वाला चेक करते हैं। ये भी देख सकते सही है 10 एम्पियर, तो इधर का सारा काम हो गया। तो इधर हम लोग टैंक लगाने से पहले एक बार हैंडल को चेक कर लेते हैं। उधर जा रहा है स्टेयरिंग का ढक, मतलब होता नहीं ब्रेक मारने से अटकुट करता है आवाज करता, तो वो चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर भी ऊपर से एक बार नट चेक कर ले टाइट है या नहीं।
ठीक है। और हाँ, स्टेयरिंग ग्रीसिंग भी हर 10,000 किलोमीटर में होनी चाहिए, 10 नहीं भी हो तो 10 से 15,000 किलोमीटर बाद होनी चाहिए। तो ये बाइक सही है तो इसलिए अभी नहीं करते हैं, क्योंकि बोले थे आप लोगों पहले जो ये रिसेंटली सर्विस हुआ था तो मोबिल चेंज करने का टाइम हो गया था, तो इसलिए अभी आप सर्विस कर रहे हैं। टैंक को लगाते हैं, एक वाटर ड्रेन और एक है कैनिस्टर VS4 VS6, तो ये सब देख लेना चाहिए क्लियर है या नहीं। तो देख के तो क्लियर ही लग रहा, जंग भी नहीं पकड़ा लग। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये पेट्रोल टैप है, मतलब ये VS4 गाड़ी कार्बेटर है तो इधर फिल्टर आता, ये सेंटीमेंट बॉल है तो सेंटीमेंट बॉल को भी साफ करना जरूरी है सर्विस के दौरान। देख सकते थोड़ा स्कूटर से इसको हिला, अंदर कचरा है। देख सकते कितना कचरा है, यही आगे चल के कार्बेटर में ढुकेगा तो फिर प्रॉब्लम होता है, बहुत कचरा है। देखिए ले इसको थोड़ा उधर से, पेट्रोल उधर से ले थोड़ा साफ कर। और इधर एक छोटा सा स्टेनर रहता है तो वो सही है, उसको कुछ करना नहीं है। अगर स्टेनर खराब हो मतलब फट जाता तो अलग हुआ। ये देख सकते हो पेट्रोल पाइप लग चुका है, और इधर एक छोटा सा लॉक रहता वो भी लगा दिए। और पेट्रोल ऑन या ऑन करने के बाद इंश्योर हो लेना चाहिए पेट्रोल लीकेज तो नहीं हो रहा, तो वैसा कुछ नहीं है, वो भी सही है। तो हमेशा ध्यान से लगाना चाहिए पेट्रोल पंप। ये साइलेंसर में इधर एक ड्रेनेज लाइन रहता है जो कि वो भी चेक करना जरूरी है, नहीं तो चौक हो जाने से साइलेंसर जल्दी खराब हो जाएगा। देख सकते हैं ये हर सर्विस में चेक होना चाहिए जो कि सही है। ये देख सकते कैनिस्टर का जो ड्रेनेज पाइप है, अभी को खोल के हम लोग थोड़ा चेक कर ले रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत पेट्रोल बचता वो आके जम जाता है कैनिस्टर के नीचे ड्रेनेज पाइप में, ये चेक होना जरूरी है, उसी को हम लोग चेक कर रहे हैं। ये देख सकते गिर रहा नीचे, गिरने दे गिरने दे आप थोड़ा। ये सब छोटा छोटा काम है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता लेकिन प्रॉपर चेक होना चाहिए। ये सब साफ कर दे तो कपड़ा मार दो, पीछे ब्रेक ऑयल का लेवल थोड़ा चेक कर ले रहे हैं। देख सकते हैं ब्रेक ऑयल सही है, लेवल में है, लगा दे। तो सर्विस का दौरान चेक होना चाहिए जो कि हम लोग कर रहे हैं। कैलिपर चेक करेंगे, कैलिपर डिस्पैच, कैलिपर ग्रीसिंग करना है, एक्सेल भी ग्रीसिंग करना है। ठीक है उसको जल ना, एक्सेल तो ग्रीस कर, पहले एक्सेल ग्रीस करके लगा ले चक्का को।
एक्सेल को ठोकने के लिए फाइबर का हथौड़ी हो तो बहुत अच्छा, अगर फाइबर ना हो तो फिर ऐसे ही ठोकना पड़ेगा। तो हम लोग एक्सेल ग्रीस कर दिए, और क्योंकि बेयरिंग बाहर से ही पता चलता है चक्का हिलाने से, चक्का अगर नहीं हिल रहा मतलब कोई अगर प्ले नहीं है ढक नहीं है तो ठीक है, क्योंकि बेयरिंग तो सब सील रहता है, तो एक्सेल ग्रीस काफी है। ये देख सकते हैं ना गंदा है, इसको खोल कर साफ करेंगे, तो डिस पैड को चेक करेंगे और स्लाइडिंग फ्री है कि नहीं, स्लाइडिंग को थोड़ा ग्रीस कर देंगे, जो कि इसका ग्रीस थोड़ा अलग रहता, सिलिकॉन ग्रीस लगता है तो हम लोग सिलिकॉन ग्रीस लगाएंगे। ठीक है, शू अभी सही है, शू को थोड़ा घस दे। ये देख कैलिपर के लिए सिलिकॉन ग्रीस रिकमेंडेड है, तो इसमें सिलिकॉन ग्रीस ही लगाना चाहिए, अदरवाइज ये रबड़ का जो भी देख रहे पार्ट, ये रबड़ आइटम मतलब ये स्लाइडिंग में जो रबड़ रहता है उधर है इधर है, ये सब डैमेज हो जाएगा अगर कोई नॉर्मल ग्रीस लगा दे, ऑल पर्पस ग्रीस, तो कैलिपर में सिलिकॉन ग्रीस देके लगाना। अब कैलिपर लग चुका है, एक्सेल भी ग्रीस हो चुका है, अभी हम लोग थोड़ा ब्रेक ऑयल चेक कर लेंगे, ब्रेक ऑयल सही है यानी, शायद थोड़ा ब्रेक ऑयल का कैप खोल के चेक कर लें। सही है लेवल ना, अगर बीच में कुछ ब्रेक का इशू आया तो अलग बात है, अदरवाइज 10 से 15,000 में चेक करना है, 25 से 30,000 में रिप्लेस करना है। और .3, .4 रिकमेंडेड है, जो कि कैप का ऊपर लिखा रहता है, और अभी हम लोग पीछे का भी फर्स्ट चेन को थोड़ा साफ कर ले कर रहे हैं, और चेन साफ करते टाइम ध्यान रखना है चक्का को रिवर्स नहीं घुराना है, अदरवाइज रिक्स हो जाता है, तो और भी स्पेस चाहिए मतलब थोड़ा ज्यादा गंदा हो जाएगा, तो अभी फिलहाल हम लोग कपड़ा से कर रहे हैं, साफ होना चाहिए। देख सकते चेन क्लीन हो चुका है, अभी एक्सल वो ग्रीस करेंगे और कैलिपर पीछे का कैलिपर भी ग्रीसिंग करना है। देखो डिस्पेट देखो, अभी बहुत है अभी चलेगा, तो साफ करेंगे, टिश पेपर से घस लेंगे देन लगा देंगे, उससे पहले कैलिपर को ग्रीसिंग का।
देखे, ये देखते देख सकते प्रॉपर, अगर सर्विस होता तो देखिए पहले का लगा हुआ हल्का फुल्का सिलिकॉन, तो ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, इसको साफ कर इसे लगा। चेन एडजस्ट करते समय ध्यान रहे दोनों तरफ जो चेन का मार्किंग है इधर देख सकते मैच करना चाहिए, और चेन का फ्लैगनेस थोड़ा लूज लूज कर, थोड़ा लूज कर, चेन फ्लैगनेस 20 से 25 एमएम रहना चाहिए, जो कि ये सब पोजीशन में मिडिल पोजीशन में देखना है चक्का को घुरा घुरा, बस बस ठीक है। इस ट्रेड को लगाना और एक्सेलेटर का फ्री प्ले भी चेक करना जरूरी है, फ्री प्ले सही है 2 से 3 mm रहना चाहिए सही है, और क्लच का भी फ्री प्ले 2 से 3 mm फ्री प्ले सही है, तो डब्ल्यू डी मास। क्लच स्विच में थोड़ा मार देगा, बस इधर फेल टैंक कैप ठीक है, जो नहीं इधर जो, और देखो थोड़ा कपड़ा दे रहा है, और सर्विस के दौरान ये हमेशा चेक करना जरूरी है। इधर से वाटर ड्रेनेज लाइन है, तो इधर भी हम थोड़ा डब्ल्यूडी डाल दे रहे क्योंकि इधर रस्ट पड़ जाता है, और ये कैनिस्टर का जो लाइन है इधर से कैनिस्टर का गैस मतलब पेट्रोल टैंक का जो पेट्रोल का गैस है उधर से आता है, तो वो भी चेक करना जरूरी है। तो ये हमारा सही है, दोनों लगा देते हैं। मिरर सही है, दोनों मिरर सही है, मिरर को छोड़ देते क्योंकि सही है। टायर प्रेशर भी चेक कर लेना चाहिए सर्विस के दौरान, वैसे तो चेक होता रहता है लेकिन सर्विस में चेक होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो चेक करना, अरे देख लो 28 है, तो 28 है, तो बस बस ठीक, ये हवा तो चेक होते ही रहता है, फिर भी चेक करना जरूरी। पीछे टायर 32 PSI, ठीक है, तो ठीक नट बोल्ट से हम लोग चेक कर लेंगे अपर, ठीक है, लोअर टिका नट चेक कर लिए, ऊपर थोड़ा 6 नंबर चेक कर लें एल एन सी ऊपर, ठीक है, सस्पेंशन का नट थोड़ा चेक कर लें, ऊपर भी चेक कर, उधर भी कर लें उस साइड,
हाँ तो ये देख सकते दो टू इन डिस्क मॉडल है, तो टू इन डिस्क में हमारा ब्रेक फ्री पे फिक्स है, मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तभी देखना है, अदरवाइज फ्री प्ले बोल के कुछ नहीं है, इसका सेम मतलब एक ही जगह रहता, तो फ्री प्ले चेक करने का कुछ नहीं है। बैटरी चार्जिंग देख लेते क्योंकि विदाउट पीक वाला गाड़ी है, बाइक है, तो स्टार्ट कर थोड़ा बड़ा, एक मिनट इधर लूज हो रहा, लूज हो रहा, ठीक से पकड़, हम आरपीएम बढ़ा, ठीक है 4000, 3500-4000 आरपीएम में 14 प्लस आना चाहिए, जो कि आ रहा बिल्कुल सही है। लाइट भी जला लेते हैं, देखिए इधर लाइट जल रहा, और ये इधर 14 प्लस है, चार्जिंग बिल्कुल सही है, ठीक है। चेन से मान लेते हैं, चेन इसके मानने का टाइम ध्यान रखिए, दोनों साइड ओरिंग में, ओरिंग में किस तरह से चेन इसके जाए, इसलिए मिडिल और दोनों साइड मिला के चेन इसके। हाँ तो अभी ऑलमोस्ट सर्विस हो चुका है, अभी जितना लाइट है, लाइट हॉर्न सब चेक कर लेंगे, लोअर अपर हाई बीम इंडिकेटर ठीक है, बैक लाइट ठीक है, पीछे का सामने का इंडिकेटर भी ठीक है, सही है, हाँ वो भी सही है, पार्किंग लैंप दोनों सही है, हाँ तो अभी है सबसे इम्पोर्टेंट काम गाड़ी को ट्यून करना, तो ट्यून बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्यूनिंग अगर सही नहीं होगा तो बाइक सही चलेगी नहीं, माइलेज सही नहीं देगी, तो ट्यूनिंग सही करना बहुत जरूरी है, तो आइए ट्यूनिंग करते हैं। दे राजा टेको में सर पतला स्कूटर होगा, पहले थोड़ा आरपीएम बढ़ा लिए, अब इसको ट्यून करना, ट्यूनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है गाड़ी का, अगर ट्यूनिंग प्रॉपर हो तो गाड़ी प्रॉपर चलती है, इसलिए ट्यूनिंग हमेशा सही होना चाहिए, ठीक। तो बाइक अभी पूरा रेडी हो चुका, मतलब सर्विस कंप्लीट हो चुका, अभी हम लोग ट्रायल कर लेंगे थोड़ा, बट हाँ इतना डिटेलिंग सर्विस के लिए थोड़ा चार्ज भी इम्पोर्टेंट हो जाता, क्योंकि एक्चुअल जो सर्विस है इस तरह होना चाहिए, तो इसमें टाइम भी लगता, तो आप लोग जब सर्विस कराए अगर इस तरह से डिटेलिंग सर्विस कोई कर रहा है तो चार्ज भी उसी तरह होना चाहिए। तक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करिएगा आप लोग तो फिर वीडियो कैसे मिलेगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए,
ताकि आगे चल के और भी वीडियो ज्यादा बनाने का थोड़ा मोटिवेशन मिले और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।